Hi guys, so welcome back to Foodie 5e and we are back again with another recipe. So today we are going to make chocolate ice cream and the recipe is very simple, so stay tuned. So we are digging with these choco chips biscuit जो कि आपको easily मिल जाते हैं. ये 10-15 रुपीस का पैकेट आता है. You need around 24 to 25 biscuits इसमें. और इसको हम ऐसे मिक्सर जार में तोड़ करके हम इसका एक पाउडर बनाएंगे. इस तरीके से ब्रेक करने से इट विल बी इजी टू मेक पाउडर ऑफ इट. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो कि है शुगर. बिकॉज जो बिस्किट है वो ऑलरेडी स्वीट हैं, सो हम ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करेंगे इसमें. हमने लिया 1/4 कप ऑफ शुगर. अब इसका हम एक पाउडर बना लेंगे. फाइन पाउडर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो जाएगा. तो नेक्स्ट इसमें जाएगा मिल्क. हमने लिया है 1 कप ऑफ फुल फैट मिल्क, वो भी रूम टेम्परेचर पे. गर्म नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो मिल्क है. इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई. अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 1/2 कप जो फ्रेश मलाई है वो उसमें डाल दें. इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर. ये सारी ही चीज़ें इसको एक बहुत अच्छा टेक्स्चर और बहुत अच्छा टेस्ट देंगे. उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस. वनीला एसेंस हेल्प करेगा फ्लेवरिंग में. हमने यहाँ पे नॉर्मली एक 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल करके ऐसे एक हल्का रफली इसको मिक्स दे देंगे और फिर क्लोज करके हम इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना देंगे. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको पल्स स्पीड पे मिक्सी को चलाना है, ना कि लगातार चलाना है, बिकॉज इसमें मलाई या फ्रेश क्रीम है. सो ये रेडी है फ्रिज में जाने के लिए हमारे. सो इस तरीके का मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया है, उसमें मैं इसको पूरा मिक्सचर जो है पोर कर दूंगी अच्छे से और फिर एक क्लीन फिल्म से मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी. सो जो क्लीन रैप है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना हो. प्लस अगर आपके पास क्लीन रैप नहीं है तो आप किसी भी जो दूध का पैकेट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसको हम रखेंगे सेट होने के लिए 4 to 5 आवर्स के लिए. और उसके बाद में भी अगर ये सेट नहीं होती है तो हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए वापस रख देंगे सेट होने के लिए. सो मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे सेट हो चुकी है अच्छे से एकदम. सो ये सेट हो गई है, बट इसे हमें एक बार फिर से चर्न करना है मिक्सर में और इसे हम पूरी आइसक्रीम को वापस डाल लेंगे मिक्सर में. चर्न करने से जो आपका टेक्सचर होता है वो बहुत ही क्रीमी हो जाता है और जैसे आप मार्केट में आइसक्रीम देते हैं कुछ वैसी ही हो जाती है ये. और इसके बाद हम इसे एक पर्ल स्पीड पर 2 से 3 मिनट के लिए चर्न करेंगे. सो यू कैन हैव इट लाइक दिस ऑल्सो, बट अगर आपको एक अच्छा टेक्सचर चाहिए आइसक्रीम में, जैसे मार्केट में है जो आइसक्रीम मिलती है उनका होता है, तो आप इसे चर्न करें कुछ इस तरीके से ही हो जाएगी. अब इसे वापस से सेट करने के लिए हम डाल देंगे अपने जो हमारा जो बॉक्स था उसमें. स्टेप में अगर आप चाहें तो आप अपनी आइसक्रीम में चॉको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा फ्लेवर, बट आई एम गोइंग लाइक दिस ओनली. ये सेट हो चुकी है, इसको टैप कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं और वापस से जो क्लीन रैप है वो इस पर वापस से लगा करके और हम सेट करके रख देंगे. जस्ट टू अवॉइड द वेस्टेज आई एम यूजिंग द सेम क्लीन रैप अगैन टचिंग द लेयर ऑफ द आइसक्रीम सो दैट जो बबल्स हैं वो आपकी इसमें ना बने. और फिर इसके बाद हम इसे 5 to 6 आवर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे. स्टिल यू फील लाइक कि सेट नहीं हुआ है सो यू कैन गो फॉर 2 आवर्स मोर. और मैं आपको दिखाती हूँ ये बाद में कैसी लगेगी. सो माई आइसक्रीम इज सेट टू हैव. आई हैव डेकोरेटेड विद सम ग्रेटेड चॉकलेट एंड चॉकलेट सॉस. एंड इफ यू ट्राई दिस रेसिपी डोंट फर्गेट टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.